उन्होंने सुनी सुनाई जो लोगों ने उनको दिखलाया वो बोल भी रहे कि मैं पहली बार किले के अंदर आया हूँ। जो लोगों ने उनको दिखलाया वो उन्होंने देखा। हमारा कहना ये है कि कहीं भी आप जाइए तो पक्ष विपक्ष कोई किसी भी चीज की गहन जांच करने के बाद तब किसी चीज को डिक्लेयर करना चाहिए। सारा मीडिया यहीं बैठी हुई थी, यहाँ पीएम मोदी भी आएंगे, अब खैबर पतालपुरी का दर्शन करेंगे, दर्शन भी नहीं किया और उन्होंने किसी और खैबर को किले के अंदर किसी और खैबर को वो वहाँ पे देखे या उसी के बारे में बोले तो असली खैबर। तो किले के अंदर दो खैबर है इसकी जानकारी आपकी, यही एक असली खैबर है, ये सनातन खैबर है, आज का नहीं है। 644 चीन यात्री होइंग्लैंड आया था, उसने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि ये मंदिर एक ऊंचे टीले में है, देवानन है, कामकूप कुआं है, लेकिन उस समय विनम्रता ये थी कि लोग इसी खैबर से उस कामकूप में कूद कर जान देते थे। चीनी यात्री को ये खतरा खराब लगा, उसने इसकी बड़ी कठोर वो किया। उसके बाद अकबर बादशाह जब आए तो उन्होंने किले का निर्माण कराया, उन्होंने कामकूप को बंद करा दिया। आज उसी हाल में वो पड़ा हुआ है, खैबर उसी हाल में है जहाँ सनातन से लोग चीनी यात्री के द्वारा दर्शाया हुआ खैबर आज भी लोग दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई खैबर नहीं, किले में सिर्फ एक ही खैबर है, लेकिन उन्होंने क्या उनको दिखलाया लोगों ने, हमें जानते हैं कि आपके टीवी के माध्यम से उनके बाद बात तक ये चीज जाए और वो इस पे विचार करें कि हमने जो किया है वो अच्छा है या गलत है, उसके बारे में विचार करें। नरेंद्र मोदी जी जिस खैबर का दर्शन किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ वो कहाँ पे है और वो क्या? वो यमुना के किनारे है। कोई भी साथ कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो कि शास्त्रागार के दक्षिण की ओर खैबर है। कोई भी कागज आप ले लीजिए, अकबर बादशाह का शाही सस्तनत ले लीजिए, ऑफिशियल गजेटियर ले लीजिए या कोई भी साक्ष्य ले लीजिए, सब में यही लिखा है कि शास्त्रागार के उत्तर गोरख शहर है, जहाँ पे हम लोग बैठे, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ के जो महाराज थे जो काफी दिनों से यहाँ के पूजा पाठ करे अक्षयवट ब्रिज का, उनका ये दावा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अक्षयवट सनातन धर्म जो अक्षयवट जो है यहाँ पे किले के अंदर उसकी दर्शन करके नहीं बल्कि वो कहीं किले के अंदर और दूसरे अक्षयवट का दर्शन किए हैं। पीटीवी भारत से सुमित यादव, प्रयागराज।